गाइस, आप देख सकते हैं मेरा हल्दी का मेकअप कितना प्यारा कितना प्रिटी हुआ है। अगर आपको भी ऐसा मेकअप करवाना है ना तो सुष्मिता ब्यूटी पार्लर से संपर्क करें। ओके, हेलो गाइस, मैं स्किनडॉक्स ब्यूटी से। तो आज मैं करने जा रही हूँ हल्दी मेकअप। गाइस आप देखें, सबसे पहले CTM करना है, फेस क्लीन करना है, उसके बाद टोनर करना है, उसके बाद मॉइस्चराइजिंग तो मैं कर रही हूँ। आपको भी अगर मेकअप घर पे करना है या किसी क्लाइंट का करना है तो आप भी ये कर सकते हैं और करना ज़रूरी है। एक गोल्डन फिक्सर है, इसे ग्लो के लिए मैं सबसे पहले स्प्रे करती हूँ, उसके बाद कलर कंटूर, स्किन टोन पे कंसीलर है तो अनराइज के नीचे, चिन पर भी, जहाँ जहाँ मुझे लग रहा है कि ये एरिया पे दाग धब्बे हैं वहाँ वहाँ मैं कंसीलर कर रही हूँ। उसके बाद किया है फाउंडेशन। तो गाइस मेरी वीडियो को पूरा देखें, आप भी अच्छे से कर सकते हो। अगर मेरा वीडियो पूरा देखोगे तो आपको सीखने को बहुत अच्छा रहेगा, ईजी रहेगा और आपको सीखने में ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, आप अच्छे से सीख सकते हो। मैं फाउंडेशन में सबसे ज़्यादा ब्रश इस्तेमाल करती हूँ और ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड करती हूँ। ब्रश की सहायता से लगाती हूँ, पूरे फेस को कवर करती हूँ, ब्रश से पूरे फेस पर लेप करती हूँ, उसके बाद ब्यूटी ब्लेंडर से अच्छे से ब्लेंड करती हूँ। आप जितना अच्छा ब्लेंड करोगे उतना अच्छा कवरेज देगा, लॉन्ग लास्टिंग भी मेकअप चलेगा। मेरे पास क्रीमी ब्लेशर नहीं था तो मैंने लिपस्टिक का लगाया है और ये करने जा रही हूँ नोज कॉन्टोर। चिक पर भी किया है, नोज पर कर रही हूँ, थोड़ी आपको डबल दिखेगी तो उससे अच्छा लगेगा और नोज पतली दिखेगी। नोज को पतला करना है तो उसे कॉन्टोर ज़रूर करें। उसके बाद लगाया है बनाना पाउडर, लूज पाउडर बोल सकते हैं आप, बनाना पाउडर भी बोल सकते हैं आप। उसके बाद पाउडर वाला ब्लेशर कर रही हूँ और ब्लेशर करते हैं, उसके बाद मैं सी आकार में ब्लेशर करती हूँ। आप देख रहे हैं मेरे जिस क्लाइंट को किया है सी आकार में ब्लेशर किया है। उसके बाद लगाया है हाईलाइट और आप देख सकते हैं मैंने आईब्रो कैसे फिल किए हैं, कितनी सुंदर आईब्रो लग रही हैं, जैसे कि बिल्कुल उनकी हैवी डार्क थी तो मैंने लाइट प्रोडक्ट लिया है आईब्रो को फिल करने को। उसके बाद आई शेडो कर रही हूँ। गाइस आप देख सकते हैं बिल्कुल मीडियम टोन पर सारी चीज़ें हैं, लाइट वेट हैं, लाइट वेट कर रही हूँ, बिल्कुल लाइट हैं, ज़्यादा डार्क नहीं है। जैसे हल्दी फंक्शन में बहुत अच्छा लुक आया है आईज़ का। और आप देख सकते हैं मैं लाइनर लगा रही हूँ, लाइनर मैं कर चुकी हूँ, उसकी आई शेडो बहुत सुंदर लग रही है, फिटी लग रही है। आप देख सकते हैं उनकी चुन्नी का भी कलर दिया है मैंने और लहंगे का भी कलर आई शेडो पर दिया है, बिल्कुल आई शेडो लाइट हैं। उसके बाद लिपस्टिक भी मैंने ज़्यादा डार्क नहीं लगाई है, बिल्कुल लाइट ही लगाई है। तो देख सकते हो कैसा लुक आया है गाइस, हेयर स्टाइल कैसी लगी आपको ये मुझे कमेंट में बताएं और जितना हो सके उतना मुझे आप सपोर्ट कर सकते हो और करें आप, और मेरी वीडियो को शेयर करें, इतना करें कि आप पर जितना हो सके उतना मेरी वीडियो को शेयर करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कहाँ कहाँ कमी है, मैं आपके लिए स्पेशल वीडियो बना के भेजूँगी। गाइस मेरी आँखों का कितना अच्छा लुक आया है आई शेडो का, आप कमेंट में ज़रूर बता सकते हैं और शेयर कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरे चैनल को। थैंक यू गाइस, और मेरा लुक देखें कितना सुंदर आया है मेरी क्लाइंट का, ये रियल वर्क है मेरा, मेरी मॉडल है, मैंने मॉडल पे हल्दी फंक्शन का पूरा लुक दिया है। आपको अच्छा लगे तो हम मुझे कमेंट ज़रूर करें और जितना हो सके